राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की हंसी पर भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने रेणुका की हंसी को डरावना करार दिया है। यादव ने कहा कि इसको यानी उनकी हंसी को ठहाका नहीं बल्कि अटहास कहते हैं। वो जिस प्रकार से हंसी थी अगर उसे कोई बच्चा सुन ले तो डर जाए। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि मीडिया अपने चैनलों पर उनकी हंसी को दिखाए और जनता को दिखाए कि कांग्रेस नेता संसद में किस तरह का बर्ताव करते हैं। बता दें कि बुधवार यानी 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दे रहे थे। उसी दौरान पीएम अपने भाषण में कांग्रेस के उस दावे का उल्लेख कर रहे थे जिसमें कांग्रेस आधार को अपना बताती है। इसके जवाब में क्रम में प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था कि 7 जुलाई 1998 को वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू ने बतौर राज्यसभा सदस्य तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से सवाल पूछा था। नायडू के सवाल के जवाब में आडवाणी ने कहा था कि बहुउद्देश्य राष्ट्रीय कार्ड का उपयोग पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, जीवन बीमा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार, जमीन के दस्तावेज, शहरी संपत्तियों आदि में किया जाएगा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।